हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जेई मेन के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। इन द गिवन फिगर एक चित्र दिया हुआ है जो अभी आपको दिखाऊंगा मैं। अ मास कैपिटल एम इज अटैच्ड टू अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग व्हिच इज फिक्स्ड ऑन वन साइड ऑफ अ रिजिड सपोर्ट। द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज के। द मास ऑसिलेट्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस विथ टाइम पीरियड कैपिटल टी एंड एम्पलीट्यूड ए। व्हेन द मास इज इन इक्विलिब्रियम पोजिशन एज शोन इन द फिगर, अनदर मास स्मॉल एम इज जेंटली फिक्स्ड अपॉन इट, द न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन विल बी। यानी आपको बताना है कि स्मॉल एम मास को रखने के बाद अब एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा। तो ध्यान दें, जो इनिशियल पिक्चर गिवन है मैं पहले उसे आपको बताना चाहूंगा। कुछ इस तरह से कि स्मूथ सरफेस पे एक वॉल पे फिक्स करके एक स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टली एक ब्लॉक से अटैच कर दिया गया है जिसका मास कैपिटल एम है। इस पोजीशन को आप इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन मान सकते हैं क्योंकि इस कंडीशन में हम स्प्रिंग को रिलैक्स्ड मान रहे हैं। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के गिवन है और इस ब्लॉक के एम्पलीट्यूड को ए बताया गया है इस कंडीशन में। यहां पर ध्यान दें कि ऐसा जब स्टार्ट करने के लिए हम इस ब्लॉक की मीन पोजीशन पर इसको कुछ वेलोसिटी देंगे। सो मान लीजिए कि वी वेलोसिटी से ये ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी को इस ब्लॉक की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से कुछ इस तरह से कनेक्ट किया जा सकता है, v इक्वल टू एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा। आप जानते हैं कि किसी SHM के केस में मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम वैल्यू देती है और उस मैक्सिमम वैल्यू को a ओमेगा से दिया जाता है। यहां पर जो फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, एक बार मैं फॉर्मूला आपको बताना चाहूंगा। वो फॉर्मूला है v इक्वल टू ओमेगा अंडरवुड एम्पलीट्यूड स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर। और चूंकि हम मीन पोजीशन पर डिस्कस कर रहे हैं तो y के वैल्यू को जीरो अप्लाई कर दिया गया है और कुछ इस तरह का आउटकम लिखा गया है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझें कि ये ब्लॉक SHM कर रहा है और चूंकि स्मूथ सरफेस है तो हम जानते हैं ये SHM कंटिन्यू चलता रहेगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि जेंटली एक स्मॉल m मास को इस कैपिटल m के ऊपर तब प्लेस किया गया जब ये अपनी मीन पोजीशन से गुजर रहा था। सो मीन पोजीशन से इसके गुजरते समय अगर स्मॉल एम मास को इसमें प्लेस किया गया है और चूंकि ये जेंटली हुआ है तो एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस मानी जा सकती है। सो इस सिस्टम के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। सो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि जब उस स्मॉल एम मास को इसके ऊपर रखा गया तो अब इस रिजल्टेंट सिस्टम की वेलोसिटी मीन पोजीशन पर कितनी हो गई। सो मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल से जब स्मॉल एम मास के ब्लॉक को इस कैपिटल एम मास के ब्लॉक पर रखा गया तो जस्ट रखने से पहले कैपिटल एम मास का मोमेंटम था एम वी जबकि स्मॉल एम मास का मोमेंटम जीरो। और जब ये दोनों एक कंप्लीट बॉडी बन के मूव करेंगे तो मान लीजिए इनकी वेलोसिटी वी डैश हो जाएगी तो हम नए मोमेंटम को एम प्लस एम इंटू वी डैश से प्रेजेंट कर सकते हैं। एक बार फिर बताना चाहूंगा, ध्यान दें हम मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि स्मॉल एम ब्लॉक को जेंटली प्लेस किया गया है इसके ऊपर। चूंकि इस प्रोसेस में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हमने ब्लॉक को प्लेस करने से पहले और उसके बाद के मोमेंट पर मोमेंटम इक्वेट किए हैं। एम वी बड़े ब्लॉक का मोमेंटम है और जीरो छोटे ब्लॉक का, जबकि छोटे ब्लॉक को बड़े में प्लेस कर देने के बाद इनका नेट मोमेंटम एम प्लस एम वी डैश होगा। अब इसे सॉल्व करने पर वी डैश को एम वी अपॉन एम प्लस एम फॉर्मूले से लिखा जा सकता है। आप ध्यान रखें, अब ध्यान दें नए केस में जब स्मॉल एम ब्लॉक को कैपिटल एम के ऊपर रख दिया गया है और जब इस कंबाइंड सिस्टम की वेलोसिटी मीन पर वी डैश हो गई है तो उस नए केस में एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा डैश मानते हुए अगर मैं इस फॉर्मूले को प्रेजेंट करूं तो क्या लिखा जाएगा, एक बार आप ध्यान दें। ये होगा वी डैश इक्वल टू ए डैश इंटू ओमेगा डैश। यहां पर आप ध्यान दें वी डैश उस स्मॉल ब्लॉक को रखने के बाद की दोनों के कंबाइंड सिस्टम की वेलोसिटी है मीन पोजीशन पर।
ए डैश वो एम्पलीट्यूड है जिसे इस क्वेश्चन में कैलकुलेट किया जाना है, और ओमेगा डैश अब इस ब्लॉक के रखने के बाद इस सिस्टम की नई एंगुलर वेलोसिटी को माना गया है। सो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के कंपैरिजन से हमें ए डैश की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। सो अब इस इक्वेशन वन और इक्वेशन टू का रेशियो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मुझे क्या आउटकम मिलेगा, एक बार आप देखें। यह होगा v डैश बाय v इक्वल टू ए डैश ओमेगा डैश अपॉन ए ओमेगा। v डैश और v के रेशियो को इस फॉर्मूले से m बाय m प्लस m लिखा जा सकता है, और m बाय m प्लस m होगा a डैश ओमेगा डैश अपॉन a ओमेगा। फाइनली a डैश की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो होगी a ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश इंटू m अपॉन m प्लस m, कुछ इस तरह से नए एम्पलीट्यूड को दिया जाएगा। और अब बस फाइनली हमें ओमेगा और ओमेगा डैश के रेशियो को पता करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, पहली कंडीशन में जब m मास का ब्लॉक k कांस्टेंट वाली स्प्रिंग से अटैच्ड था तो ओमेगा का फॉर्मूला होना चाहिए रूट k बाय m। ये बात आप जानते हैं, हम SHM की थ्योरी से ये बात जानते हैं कि ओमेगा को अंडरूट k बाय m फॉर्मूले से दिया जाता है। यही वो फॉर्मूला है जिसके बेस पर t इक्वल टू 2 पाई अंडरूट m बाय k को डिराइव किया जाता है। और इसी प्रकार इस नई कंडीशन में जब स्मॉल m ब्लॉक को कैपिटल m ब्लॉक के ऊपर रख दिया गया है, ओमेगा का नया वैल्यू ओमेगा डैश होना चाहिए अंडरवुड के अपॉन m प्लस m। सो इस ओमेगा डैश और ओमेगा को अगर मैं इस इक्वेशन में यूज करूं तो a डैश का वैल्यू क्या बनेगा, आप यहां पर ध्यान से देखें, a डैश होगा a इंटू ओमेगा बाय ओमेगा डैश। सो मैं इसे लिख सकता हूं रूट के बाय कैपिटल m अपॉन रूट के बाय m प्लस m, और एक टर्म हमारे पास है m अपॉन m प्लस m। इसे सॉल्व करने पर जो आउटकम हमें मिलेगा वो होगा a डैश इक्वल टू a अंडरवुड m प्लस m अपॉन m इंटू m अपॉन m प्लस m। और ध्यान दें, अब अगर इस रूट m प्लस m टर्म से इसे कैंसिल किया जाए और इस रूट m से इसे, तो फाइनली कुछ इस तरह का आउटकम हमें मिलेगा जिसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखें। यह होगा a डैश इक्वल टू a रूट m अपॉन m प्लस m। सो एम्पलीट्यूड का नया वैल्यू इसे स्मॉल m ब्लॉक को रखने के बाद होना चाहिए a अंडरूड m अपॉन m प्लस m। सो इस तरह से SHM के बेसिक्स को अप्लाई करके सिंपली इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इस प्रॉब्लम को भी इनिशियल इंस्टेंट पर की जाने वाली प्रॉब्लम के रूप में पिक किया जा सकता है किसी भी एग्जाम में। थैंक यू।